हेलो फ्रेंड्स आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड आई एम वीरांश दवे और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं जिज्ञासा चैनल पे और आज मैं डिस्कस करूंगा एक रिसर्च जिसने सजेस्ट किया है कि होमोसेपियंस और नियंडरथल्स कुड हैव को एग्जिस्टेड टुगेदर एंड लिव टुगेदर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिस इज अबाउट मी आप वीडियो पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं ना वॉट इज़ जिज्ञासा वेल well, जिज्ञासा इज़ अ ज्वाइंट इनिशिएटिव विच इज़ क्रिएटेड बाई ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स वो आर क्वालिफाइड इन सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनस इसका मेन मकसद ये है कि एकेडमिक सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करें हर लर्नर्स और क्यूरियस माइंड्स के लिए बिफोर वी डेल्प डीपर इन टू द रिसर्च हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है सो बेसिक इंसाइट्स देना बहुत ज़रूरी है मैं ये होप करता हूँ कि आप सब लोगों को पता होगा कि होमोसेपियंस क्या है द स्पीसीज टू विच वी बिलोंग बट हुर होमो होमोसेपियंस की जो पूरी इवोल्यूशनरी जर्नी है वो बड़ी जटिल और बड़ी लंबी रही इसमें बहुत सारे स्पीसीज आए और बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए अनफॉर्चुनेटली एंड नियंडरथल्स वर अमोंग वन ऑफ द स्पीसीज वू गॉट एक्सटिंक्ट ये जो मैप है वो दिखाता है नियंडरथल्स का एरिया वेल यू कैन सी दैट दे डोमिनेटेड मोस्टली होल ऑफ द यूरोप एंड ऑल्सो इन द लेवान रीजन जहाँ पे इसराइल जॉर्डन सीरिया जैसी कंट्रीज आज प्रेजेंट हैं होमो होमो नियडरथलेंसिस का नाम नियंडरटर वेरी इन जर्मनी से डिराइव किया गया है जहाँ पे उनके अवशेष पहली बार फाइंड आउट किए गए थे वेल नियड अर्थस एम अपियर्ड अबाउट फोर लेक ईयर्सो एंड दे परसिस्टेड अप टू फोर्टी थाउजेंड ईयर्स अगो बिफोर विच दे गोट एक्सटिंकट देर आर टू टर्म्स होमिनिड्स एंड होमिनोइड्स और ये दोनों टर्मिनोलॉजीज में एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है वेल होमिनोइड्स इज ए लार्जर टर्म ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स ऑल प्राइमेट्स हु आर एप्स while hominids is a subcategory of hominoids and it includes human beings and their nearest ancestors like uh, chimpanzee gorilla gaboon etc the answer to this question is prehistoric archaeologist and a paleoanthropologist based on uh, fossil records skeletal remains and most importantly the stone tool technologies आप सब लोगों को ये जान के सरप्राइज होगा कि नियंडरथल्स वर एक्चुअली मच मोर इंटेलिजेंट एंड रोबस्ट देन अस दे आर नोन एज केव मैन बिकॉज यूरोप में उस टाइम पे मौसम बड़ा ठंडा था सो ये केव में ही रहते थे ये होमिनिड्स और होमी के बीच में डिस्टिंक्शन है आप और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में मैं लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा नाउ दिस इज अ ट्री विच शोज द इवोल्यूशनरी पाथवे फ्रॉम सेडेंसिस टू होमो सेपियंस सेडेंसिस फर्स्ट होमी नीड थे जो ह्यूमन जैसे रिसेंबल करते थे एंड इट अपियड अराउंड सेवन मिलियन ईयर्स अगो सो आप देख सकते हैं बहुत सारे स्पीसीज आए और अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो गए एंड होमो नियडर वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट Relatives of Homo sapiens. Now, it is necessary to understand what is the significant relationship between sapiens and Neanderthals, that is, Homo sapiens and Neanderthals. There are many hypotheses given in it. First is the hypothesis which speaks highly about the evolution of Homo erectus into Homo sapiens, in which the transitional form was Neanderthals. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से बहुत सारा एविडेंस मिला है जो ये सजेस्ट करता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्पेस एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होमोसेपियंस एंड नियंडर्थल्स को एग्जिस्ट करते थे सो यूनिलियर एवोल्यूशन की जो हाइपोथिस है वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गई है आज प्री नियडर्थल हाइपोथिसिस ये कहती है कि होमो इरेक्टस का पहले uh, प्री नियडरथल स्पीसिस में इवोल्यूशन हुआ और ये प्री नियंडरथल स्पीसीज था होमोहिडल बर्जेंसिस होमोहिडल बर्जेंसिस का फिर फर्दर सेपरेट लिनियर जिसमें इवोल्यूशन हुआ एक था होमोसेपियंस और एक था होमो द थर्ड इज सेपरेट लिनियरजिस अब ये हाइपोथिस ये कहती है कि होमो इरेक्टस का टू सेपरेट लिनियर जिसमें इवोल्यूशन हुआ वन वॉज होमोसेपियंस विच इज एग्जिस्टिंग टूडे एंड अदर द एक्सटिंक्ट स्पीसिस दैट इज होमो नियडरथलेंसिस

तो करंट अफेयर क्या है हम क्यों ये सब डिस्कस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ल्यूडोविक्स लिमैक एंड इज रिसर्च टीम वू इज़ वर्किंग टायरलेसली ऑन केव ऑफ फ्रांस पब्लिश एन आर्टिकल इन साइंस एडवांसेस बिफोर टेन डेज वी सजेस्ट दैट मॉडर्न ह्यूमंस प्रेजेंट थे यूरोप में दस हजार साल पहले जो डेट अभी बोली जाती है उसके पहले मीन्स अभी फोर्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स बिलीव किया जाता है कि फोर्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स के अराउंड होमोसिपियंस यूरोप में पहुंचे बट इट स्ट्रेचेज टू अबाउट फिफ्टी फोर थाउजेंड ईयर्स अगो निस इज द लोकेशन ऑफ ग्रॉट मैंड्रीन इट इज लोकेटेड इन फ्रांस दैट इज इन सदर्न फ्रांस वेरी मच इन द विसिनिटी टू द मेडिटेरेनियन कोस्ट हमें होमोसिपियंस की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है पहले होमोसेपियंस एपियर्ड अराउंड थ्री लैक ईयर्स अगो इन अफ्रीका वेल हम सब जानते हैं कि होमोसेपियंस फर्स्ट टाइम एमर्ज हुआ अफ्रीका से और आउटसाइड uh, अफ्रीका ये माइग्रेट हुआ टू डिफरेंट प्लेस एंड द एविडेंसेज आर फाउंड फ्रॉम इज़राइल दैट इज़ अबाउट वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड टू वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड ईयस होस्ट एशिया में फर्स्ट टाइम एटी थाउजेंड ईयर्स अगौ दैन इन ऑस्ट्रेलिया अबाउट सिक्सटी फाइव थाउजेंड ईयर्स बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि डिस्पाइट यूरोप बींग इन द जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू अफ्रीका होमोसेपियंस एराइव वेरी मच लेट इन यूरोप दैट इज अबाउट फोर्टी फाइव टू फोर्टी थ्री थाउजेंड ईयर्स हो गए जो अभी तक माना जाता है इस रिसर्च के पहले द एविडेंस कम्स फ्रॉम बाचोकिविन बल्गेरिया आई होप आई एम प्रनाउंसिंग इट राइट बट आप सब लोगों को एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि वाई वाई डिस्पाइट

बट अभी के लिए ये जान लेना जरूरी है कि पेलियोलिथिक पीरियड कोइंसाइडेड विथ द प्लिस्टोसिन आइस एज और इस टाइम पे पूरा नॉर्दर्न हेमिसफियर आइस शीट से कवर्ड था एंड यूरोप वॉज कम्प्लीटली कवर्ड बाय थिंक आइस शीट्स एंड द क्लाइमेट वाज सो मच कोल्ड एंड दिस मे बी द रीजन वाई सेपियंस डिड इन मूव टू यूरोप क्वाइट अर्ली द सेकेंड सजेशन इज दैट बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ नियंडरथल स्पीसीज इन यूरोप सेपियंस डिड नॉट अराइव्ड इन यूरोप बट ये रिसर्च कहता है कि सेपियंस एराइव्ड अराउंड 56,000 टू 51,000 इयर्स ईयर्स बिफोर प्रेजेंट नाउ व्हाट आर द एविडेंस ऑन व्हाट बेसिस दे आर सेइंग द पेपर सजेस्ट दैट टूल टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी ऑफ डेंटल एलिमेंट्स आई विल बी डिस्कसिंग इन मोर डिटेल ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर अप कर दूँगा स्टेटीग्राफी प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आर्क्योलॉजी नाउ वॉट इज स्टेटीग्राफी हाउ इट इज एसोसिएटेड विद आर्क्योलॉजी वॉट आर द लॉज ऑफ़ स्टेटीग्राफी ये डिफरेंट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये अभी के लिए ये जान लेना जरूरी है कि आर्क्योलॉजी में जब एक्सकेबिशन होता है जब खुदाई होती है तब जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो सबसे यंगेस्ट होता है और सबसे बॉटम मोस्ट लेयर होता है सबसे ओल्डेस्ट होता है सो so, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेयर एफ है जो क्रोटमेंड्रीन केव है वहाँ पे लेयर एफ इज दी ओल्डेस्ट और ये ईयर भी रख लिखा हुआ है सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नी एंड अर्थल्स फॉर प्रेजेंट फिर लेयर ई e, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इस पेपर में बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम लेयर ई ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की गई है एज्यूम्ड किया गया है लेयर ई e में मॉडर्न ह्यूमंस डोमिनेटेड थे वेल well, नी जो कल्चर था वो मोस्टीरियन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर स्टोन टूल्स बनाता था सो so, उनके स्टोन टूल्स थे मोस्टीरियन टूल्स अब ये मोस्टीरियन टूल्स क्या है क्या नहीं वो मैं बाद में दूसरे लेक्चर्स में ही बताऊंगा आपको बट बत यहाँ पे इतना जान लेना जरूरी है कि नियन डूज मोस्टीरियन टूल्स लेयर uh, ई e में मॉडर्न ह्यूमंस आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स विच स्लेमैक नेम्ड इट नेरोनियन आप देख सकते हैं लेयर डी में फिर से नियन कल्चर आ गया और ये परसिस्ट किया अब अप टू फोर्टी थ्री और फोर्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स बिफोर प्रेजेंट आफ्टर विच नियन डरथल कम्प्लीटली नॉट एक्सटिंक्ट बेस्ड ऑन टूथ्स दैट इज द टीथ दांत का एविडेंस जो वहाँ पर पाया गया है डिफरेंट लेयर्स में वन टूथ कम्प्लीटली रिजम्बलेंस होमोसेपियंस अब ये कैसे है कैसे फाइंड आउट किया बेस्ड ऑन शेप एंड इट्स फॉर्म दैट इज़ इट्स मॉर्फोलॉजी अल्टीमेटली Uh, ये रिसर्च ने यह भी सजेस्ट किया है कि डी एन एनालिसिस ऑफ द टूथ हैज़ नॉट बिन डन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट डी एन प्रेजेंट इन द टूथ इज़ वेरी मच मिनिमल एंड सो द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट वायबल टू डील विथ इट सो ये फ्यूचर स्टडीज़ के लिए बाकी रखा गया है अब ये रिसर्च ने नया क्या ऐड किया वेल अंटिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज हाईली बिलीव डैट होमोसिपियंस जब यूरोप में पहुंचे तब उन्होंने कंप्लीटली नी अंडर को उसको आउट कर दिया बट नाउ आफ्टर दिस रिसर्च विच हाइपोथिसाइज दैट सेपियंस एट क्वाइट अर्ली ये माना जा सकता है कि दोनों क्वाइट कंसिडरेबल टाइम के लिए साथ में रहे एंड लुडोविक्स लेमैक्स सर ने यह बताया है कि दे परसिस्टेड फॉर अवर फॉर ओवर फोर्टी ईयर्स टुगेदर बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम सूट विच इज़ डिपोजिटेड ऑन दी केव सीलिंग्स मैं हम सब ये जानते हैं कि हमारे प्री हिस्टोरिक पीपल जो थे वो फायर यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए सो so, जो सूट निकलता है फायर में से वो डिपोजिट हो जाता है केव पे एंड बाय यूजिंग दिस दे कंक्लूडेड दैट दे लीव फॉर अबाउट फोर्टी इयर्स सम स्कॉलर्स आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस डिस्कवरी एंड दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर डिस्कवरीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एसोसिएशन वाइल अदर स्कॉलर्स आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट ग्रॉड मैंड्रीन एज दे आर नॉट कन्विंस्ड विद द आइडिया डेट ग्रॉट मैंड्रीन वॉज द अर्लीस्ट होम फॉर होमोसेपियंस इन यूरोप नॉलेज का बूस्टर डोज लेना बहुत जरूरी है नाइनटीन एटी टू में होमोइरिक्टस का एक स्कल नर्मदा के बैंक्स पर मिला था इन हथनोरा इन सेंट्रल इंडिया स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड दिस इज़ अरुण सोनाकिया जो एक जियोलॉजिस्ट थे फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वू वाज द फर्स्ट होमो स्पीसीज विच माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कीजिए और फाइंड आउट कीजिए इसके बारे में थैंक यू वेरी मच